बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिंदगी में हम कितने सफल होते हैं ये हमारी सोच पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है कि जीवन में किस समय पर हमने कैसा निर्णय लिया है। इसलिए निर्णय लेने की क्षमता जीवन में सबसे ज्यादा अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष में निर्णय लेने की क्षमता देखी जाती है पंचम भाव से, नवम भाव से और एकादश भाव से। पांचवा और नवा भाव आपकी बुद्धि है और एकादश भाव उसका सपोर्ट है। अलग अलग तत्वों से अलग अलग तरह की निर्णय लेने की स्थितियां बनती हैं। जल तत्व का आदमी अलग निर्णय लेगा, अग्नि तत्व का आदमी अलग निर्णय लेगा। इसी प्रकार अलग अलग ग्रह निर्णय की क्षमता पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। निर्णय लेने की जो शुरुआत होती है वो होती है आपके मन से, और चंद्रमा मन का कारक होता है, इसीलिए निर्णय लेने की क्षमता में इसकी सबसे ज्यादा विशेष भूमिका बताई जाती है। अगर हम हस्त रेखा की बात करें, पमिस्ट्री की बात करें, तो पमिस्ट्री में अंगूठा जो है आपका, जो आपका थंब है, ये निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। यानी कुंडली में बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो ये बता सकते हैं कि क्या आप सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। देखिए, सूर्य अगर कुंडली में डोमिनेट करता है, सूर्य अगर कुंडली में प्रबल प्लेनेट होता है, मुख्य ग्रह होता है, तो ऐसे लोग क्विक तुरंत निर्णय लेते हैं और ज्यादातर इसके परिणाम इनके लिए ठीक रहते हैं। चंद्रमा वाले जो लोग हैं वो आम तौर पर निर्णय लेते हैं बुद्धि से नहीं, भावनाओं से, इमोशंस से, इसीलिए कभी गलत कभी सही। मंगल प्रधान लोग जो होते हैं ये जोश में निर्णय लेते हैं और ज्यादातर इनके निर्णय गलत होते हैं। बुध प्रधान लोग जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज जो होते हैं, निर्णय लेने में दुविधा के शिकार हो जाते हैं और अक्सर इनके निर्णय लंबे समय तक लटक जाते हैं। बृहस्पति प्रधान जो लोग होते हैं और शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं वो अक्सर संतुलित निर्णय लेते हैं, बैलेंस निर्णय लेते हैं। शनि प्रधान जो लोग होते हैं ये सोच समझकर और बेहतरीन निर्णय लेते हैं। समय जरूर लगता है लेकिन इनका निर्णय सबसे ज्यादा सटीक, सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। देखिए, अगर कुंडली का पांचवा भाव, जहां से आप सोचते हैं ना, जहां से आप समझते हैं, सोचते हैं, अगर उसका स्वामी कमजोर हो जाए या पाप पीड़ित हो जाए तो ऐसा होता है कि निर्णय सही नहीं होते हैं। जल तत्व की मात्रा कुंडली में ज्यादा हो जाए, वाटर एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो आप ज्यादातर भावनाओं से सोचेंगे, निर्णय गलत होंगे। अग्नि तत्व मजबूत हो जाएगा तो आप जोश में डिसीजन लेंगे, बिना सोचे समझे लेंगे और कभी कभी बुरी तरह असफल हो जाएंगे। अगर कुंडली में चंद्र और बुध की प्रधानता होती है तो व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है, टालता है डिसीजंस को, या बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है और इस वजह से गलत निर्णय ले लेता है। अगर अंगूठे का पहला पोर, अगर आप अपने अंगूठे को देखें, उसका जो पहला थंब का जो पहला हिस्सा है, अगर ये बहुत लचीला होता है, पीछे की तरफ काफी झुकता है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता आम तौर पर कमजोर होती है और ऐसे लोगों को निर्णय लेने में बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके निर्णय बिल्कुल सही हों, सही समय पर हों और मजबूती से आपका साथ निभाएं, तो क्या करेंगे? सुबह नवोदित सूर्य को जल अर्पित करें, नवोदित का मतलब उगते हुए सूर्य को। महिलाएं जल में हल्दी डाल करके जल चढ़ाएंगी और पुरुष जल में रोली डाल करके जल चढ़ाएंगे। महीने में दो एकादशी आती है, या तो इन दोनों का उपवास रखिए, या महीने में एक पूर्णिमा आती है उसका उपवास रखिए, केवल जल पीकर, केवल लिक्विड लेकर। भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है,
नमः शिवाय इसका जप करिए, या भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। और हर शनिवार को प्रकाश का दान करिए, यानी सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए। अगर आपको सूट करता है तो आप पीला पुखराज पहन लीजिए या हीरा पहन लीजिए, जो भी आपको सूट करता हो। इसको धारण करने से भी निर्णय की जो क्षमता है, डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है, वो काफी हद तक मजबूत हो जाती है।